हेलो एवरीवन, मैं निशु एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि जब आपको बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है तो आपको शरीर के कौन से हिस्से में दर्द होता है, जिससे कि आप आसानी से पहचान सकती हैं कि आपको बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस अब धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि जैसे आप सबको पता है फ्रेंड्स कि जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तभी जाकर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। और बहुत सी मेरी ऐसी प्यारी प्यारी लेडीज हैं, मुझे कमेंट्स करती हैं कि मैम मेरा बच्चेदानी का मुंह खुल गया था फिर भी मेरी सी सेक्शन डिलीवरी कर दी गई, वो क्यों की? तो फ्रेंड्स, वो इसलिए होता है कि अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुलता है, 5-6 सेंटीमीटर तक ही रह जाता है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर सी सेक्शन डिलीवरी ही करते हैं। क्योंकि जब बच्चेदानी का मुंह पूरा नहीं खुलेगा तो बच्चा बाहर कैसे आएगा, और 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी जाके आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। बच्चा बीच में फंस सकता है, इसी वजह से डॉक्टर ये रिस्क ना उठाते हुए सिजेरियन डिलीवरी का सहारा लेते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत सी लेडीज़ के साथ होती है कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल पाता है सही से, तो उनकी सी सेक्शन डिलीवरी डॉक्टर कर देते हैं। हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप लोगों को शिकायत रहती है ना कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हो गई, मैम बताइए क्यों हुई, और मुझे तो कुछ सब कुछ नॉर्मल था फिर भी क्यों हुई? तो जब आपको कुछ भी समझ नहीं आता है ना, जब पता नहीं होता है कि आपकी सीजेरियन डिलीवरी क्यों हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से एक बार जरूर पूछना चाहिए कि आप मेरी सीजेरियन डिलीवरी क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि आपके मन के अंदर कोई भी डाउट नहीं रह जाता है और आप क्लियर रहते हैं कि हाँ चलो इस वजह से सीजेरियन डिलीवरी हुई है, नहीं तो फिर आप खामोखा बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। इसीलिए अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी, उससे रीजन आप जरूर पूछ लीजिए कि ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? इतना आप पूछ सकते हैं, ऐसे कोई इतने बेकार नहीं होते हैं, डॉक्टर बता देते हैं आसानी से। ये तो हुई दूसरी बात। अभी हम जानते हैं कि जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है आपको शरीर के किस हिस्से में दर्द होता है, जिससे कि आप आसानी से पहचान पाती हैं कि आपका बच्चेदानी का मुंह खुला या नहीं खुला। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करें जो महिलाएं घर में प्रेग्नेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, अगर आपको 9वें महीने में पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द फील हो रहा है, तेज़ी से दर्द फील हो रहा है, और जो ये दर्द है ना, पहले आपको धीरे धीरे होता था, रुक रुक कर होता था, लेकिन अब अगर ये दर्द आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रहने लगा है, ज़्यादा देर तक रहने लगा है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह अब खुलना शुरू हो गया है। ऐसा दर्द अगर आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में फील होता है तो ये बच्चेदानी का मुंह खुलने का मेन सिम्टम होता है। यही एक सिम्टम है जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं खुला है। इसके कुछ और भी लक्षण हैं जिनको देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, जिससे कि और ज़्यादा आपको श्योरिटी हो जाएगी। जैसे कि आपका डिस्चार्ज बढ़ जाना, चिकना सा जेली जैसा आपको डिस्चार्ज होना, जिसका कलर आपको पिंक नज़र आ सकता है, हल्का सा येलो सा भी नज़र आ सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, तो ऐसा अगर नज़र आता है तो इसका मतलब भी होता है कि बच्चेदानी का मुंह अब खुलना शुरू हो चुका है। तीसरे इसका सिम्टम हो स्पॉटिंग, अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में, तो इसका मतलब भी है अब आपका बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है और आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, मतलब कभी भी आपको लेबर पेन आ सकता है। आई होप अब आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आपका बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में आप सबसे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।